वेलकम टू कुशल अध्ययन पॉइंट। आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी फैमिली में, और सभी को राम राम, सीताराम, जय राम, जय जय राम। ये ध्यान रखिएगा, मैं आज फिर एक नई वीडियो लेकर आया हूं आप सभी के लिए, और आप पढ़ते रहिएगा और वीडियो इसी तरीके से आती रहेगी। क्लास 9th, 10th, 11th, 12th की मैंने वहाँ पे 11th के बायोलॉजी स्टार्ट कर दी है, और यहाँ पे 9th की साइंस पढ़ा रहा हूँ। पर आपको जो मैंने कहा था कि हाई स्कूल और 12th वालों के लिए, उनके लिए वीडियो आ जाएंगे और आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो मैं आप क्या करते रहिए, पढ़ते रहिएगा और समझते रहिएगा, ठीक है। और उनकी जो वीडियो आएंगी वो बेटा क्वेश्चन वाइज वीडियो आएंगी, ऐसा नहीं है कि उन्हें ऐसे पहले प्रोवाइड करा दी जाए। वो पढ़ते रहें, यहाँ से पढ़ रहे हैं, पर हमारी गारंटी है हम 95% उनको विज्ञान में और बायोलॉजी में दिलवाएंगे और आत्म विज्ञान ये डर 95% नंबर हमारे यहाँ से ही आएंगे, ये डर, ठीक है। चलो अब हम इससे ज़्यादा व्यय न करते हुए टाइम को अब बात कर रहे हैं हम भौतिक विज्ञान, या हम बोल सकते हैं इसे फिजिकल चैन। क्या बोल सकते हैं बेटा? फिजिकल चैन, ठीक है। PHY फिजिकल, फिजिकल सेंस, सेंस फिजिकल चैन, ठीक है। फिजिकल चैन, अब हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। भौतिक परिवर्तन कहने को तो कुछ मतलब टॉपिक है, पर हम आपको इस तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे कि आपको सारी चीजें थे अच्छी तरीके से समझ में आए। देखो फिजिकल चैन, जैसे हम बात करें कि कोई पदार्थ है, या हम बात कर रहे हैं जल की, जल की बात कर रहे हैं, तो जल को क्या कर रहे हैं बेटा हम समझने का प्रयास करना। जल किस रूप में पाया गया बेटा? ठोस में, और ठोस किसमें, उसको क्या कर लिया हमने, हीट किया, या हमने उसे ठंडा करने, या हम उसे हीट कर रहे हैं तो बर्फ पिघलना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। बर्फ पिघलना स्टार्ट हो जाती है, पिघलना बेटा, फिर उसे हम हीट देते हैं, ठीक है। और हीट में क्या है, वही बर्फ किसमें परिवर्तित हो जाती है, भाप में। और भाप पर हम या तस्तरी कुछ भी रख देते हैं तो वही भाप हमें फिर पानी के रूप में मिल जाती है। तो क्या है बेटा कि पदार्थ की अवस्थाएं तो चेंज रही, अवस्थाएं तो चेंज रही, पर पदार्थ चेंज नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ बेटा? पदार्थ चेंज नहीं हुआ, तो हम कह सकते हैं ये भौतिक परिवर्तन है या भौतिक अवस्था है। देखो यही चीज आपको यहाँ पे मैंने लिखकर बताई हुई है, जो आपको मैंने अपने मुंह से समझाया। भौतिक परिवर्तन, जिस परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, ठीक है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता, उसे बेटा हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और इस परिवर्तन में पदार्थ के घटक या रासायनिक प्रकृति नहीं बदलती, ठीक है, या पदार्थ के घटक या रासायनिक या अभिक्रिया नहीं बदलती, तो इसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था बदलती। क्या बेटा? जो पदार्थ की अवस्था है वह बदल जाती है, अतः यह अस्थाई परिवर्तन है, यह कैसा अस्थाई परिवर्तन है, और इन्हें भौतिक प्रक्रमों द्वारा मूल अवस्था में बदला जा सकता है। उदाहरण में बात करें, जब बर्फ को गर्म करते हैं तो यह पिघलकर जल बन जाता है, और इसको गर्म करने पर यह भाप में परिवर्तन हो जाता है। बर्फ जल का भाप रासायनिक रूप से समान है, तथा इनका जो आणविक सूत्र होता है वो होता है H2O। तो ये इतना बड़ा मैंने आपको थे टॉपिक ओनली कुछ ही शब्दों में बता दिया था कि आपको क्या करना है, समझने का प्रयास करना। ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं बस सकते, देखो कुछ नहीं, देखो कोई पदार्थ है, ठीक है, उसके पदार्थ की अवस्थाएं चेंज हो सकती हैं, पदार्थ चेंज नहीं हो सकता, तो वही भौतिक परिवर्तन है, ना ही वह किसी के साथ क्रिया कर सकता है। अब नंबर सेकंड आपसे बात कर लेते हैं, नंबर सेकंड में यह है कि जब हम बल्ब को स्विच खोलते हैं वह चमकने लगता है। क्या होता है बेटा? बल्ब स्विच को खोलते हैं और वह चमकने लगता है, ठीक है, और जब स्विच बंद करते हैं तो चमकना बंद करते हैं,
क्या देता है, चमकना बंद कर देता, और इस प्रक्रम को कोई नया पदार्थ नहीं बनता। इस देखो कोई बल्ब है, ठीक है, इसको ऑन करेंगे बेटा तो ये क्या हो, जलने लगेगा या चमकने लगेगा, और इसे ऑफ करेंगे बेटा तो ये चमकने बंद हो जाएगा, चमकने बंद हो जाएगा। और क्या क्या हो जाएगा बेटा, चमकने बंद हो जाता है तो क्या, तो इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, कोई नया पदार्थ नहीं बनता, नहीं बनता, पर इसकी जो अवस्था है पदार्थ की वह क्या है बेटा, उस पदार्थ की अवस्था चेंज हो रही है और ना ही कोई नया पदार्थ बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या बेटा, भौतिक परिवर्तन है। क्या बेटा, भौतिक परिवर्तन है। अब एक बात और समझो, जब हम जल को और चीनी को मिलाते हैं, और चीनी को मिलाते हैं, मिलाते हैं तो एक बिलियन बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा, बिलियन बन जाता है। और यह बिलियन कैसा होता है बेटा, समांगी, ठीक है। अब देखना, बिलियन मिलाते हैं और कुछ समय तक इसे करना है, हीट करना स्टार्ट कर देते हैं, या हम इसे गर्म करना, इस बिलियन को गर्म करना स्टार्ट कर देते हैं, गर्म धीरे धीरे गर्म करते रहते हैं, गर्म करते रहते हैं, और फिर उसे क्या कर देते हैं, गर्म करके क्या कर देते हैं, कुछ समय बाद उसे ठंडा कर देते हैं। क्या कर देते बेटा, ठंडा। तो आपने देखा होगा ठंडा कर देते हैं तो हमें फिर से चीनी के क्रिस्टल मिल जाते हैं। किसके बेटा, चीनी के क्या मिल जाते, क्रिस्टल मिल जाते हैं। तो हम क्या करें, पदार्थ की अवस्था चेंज हो रही है पर पदार्थ चेंज नहीं हो रहा, इसलिए इसे बेटा हम भौतिक परिवर्तन कह सकते हैं। जैसे मोम का पिघलना, कांच का टूटना, ठीक है, कपड़े को फाड़ना, क्या मोम को पिघलना, कपड़ा फाड़ना, ठीक है, मतलब इनमें ऐसी क्रियाएं होती हैं, पंखे का घूमना, तो इनसे आपको एक चीज मालूम पड़ी कि इसमें पदार्थ चेंज नहीं होता, आएगा जिस परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, पदार्थ नया चेंज नहीं हो रहा पर अवस्थाएं चेंज हो रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये भौतिक परिवर्तन है, ठीक है, जिस परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता और उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो एक टॉपिक आपको कैसा लगा शेयर कर दें सभी जगह, अच्छा लगेगा, मैं कह रहा हूँ, मैं आपसे गारंटी लेता हूँ कि आपको एक एक टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लग रहा है, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, सारी चीजें आपको बारीकी से बताई जाएंगी, ये नहीं है कि आपको कुछ अलग बताया जाए, पर आपको सारी चीजें बारीकी से बताई जाएंगी। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शेयर करते रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट करते रहिएगा, सारी वीडियो आपको अच्छे तरीके से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।